प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका आप जहाँ पर मौजूद है जरा पहले वहाँ से तस्वीरें दिखा काट के ना रिकॉर्ड कर लो। जीतना पड़ेगा सरकार अभी पहले मैं मुलाकात कर लूँ जिन लोगों से मिलने आया हूँ और उसके बाद ही आपसे बात हो उचित होगा। I would invite people who voted for BJP to also come between farmers. What has happened that you took this decision of supporting Rakesh Tikait? It is the beating of my heart. I have to listen to that call. Yeah, Rakesh Tikait. पहले मुलाकात कर तो जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, वो भी वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, कुल मिलाकर यहां अभी रणनीति आगे की तय होने में लगी हुई है। टिकैत ने पहले ही यहां सिचुएशन क्लियर की कि वो टिके रहेंगे। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं, यानी प्रियंका यहां क्या स्ट्रेटजी अब किसानों की, जो बचे कुछ किसान है उनकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और कितनी तादाद बची अभी किसानों की, तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, कल के बाद जैसे कल रात को यहाँ पर जैसे ही इमोशनल अपील की थी टिकैत ने, उसके बाद कुछ लोगों का जमावड़ा ज़रूर आया था, लेकिन सुबह की अगर स्थिति की बात करें तो कल की जैसे ही बनी हुई है, यानी कि असल किसानों जितने किसान यहाँ रह गए उतने ही बने हुए। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि खाली है जहाँ पर टेंट लगे हुए थे कल जो उखाड़े गए, उसके बाद उन जगहों पर आज गाड़ी खड़ी है, यानी कि नए टेंट नहीं लगे हैं, नई ट्रॉली ट्रैक्टर्स नहीं आए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से राकेश टिकैत का कहना था कि तमाम लोग और जुड़ेंगे, उसको लेकर जो महापंचायत उनके भाई नरेश टिकैत कर रहे हैं, तो उसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन अगर आज और इस स्थिति की बात करें तो कल जितने ही लोग यहाँ पर हैं कोई भी नया ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, देखिए ये एक रूट है जो इकलौता रूट यहाँ से खुला हुआ था दिल्ली जाने की तरफ के लिए, आज इसको भी बंद कर दिया गया है। तमाम जो वाहन आ रहे हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइक आ रहे हैं, तमाम यहाँ से उनको मुड़कर अब जाना पड़ रहा है, ये रूट को भी डाइवर्ट कर दिया है। ऐसे में लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, उनका कहना है कि एक्स्ट्रा टाइम उनको लगता है। सर जी कहाँ से आ रहे हैं? अब ये कितना टाइम लग जाएगा अब यहाँ से जाने में? हमें तो वैसे तो रोड खुला होगा तो 5-6 मिनट का रास्ता है, वैसे भी मुझे जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि लोग भी बता रहे हैं कि गाजियाबाद से और जहाँ से दिल्ली की तरफ जो आते हैं रूट बंद है, उसकी वजह से परेशानी भी लोगों की बढ़ रही है। देखिए आज मुजफ्फरनगर में टिकट